आज हरियाणा में फिर खट्टर सरकार, दिवाली पर दूसरी पारी के लिए शपथ लेंगे मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में डिप्टी सीएम के नाम से हटा सस्पेंस, डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे दुष्यंत चौटाला। हरियाणा राजभवन में आज दोपहर 2:15 बजे होगा शपथ ग्रहण, खट्टर के साथ कई नए चेहरे भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सूत्रों के मुताबिक खट्टर मंत्रिमंडल में होंगे 13 कैबिनेट मंत्री, दो जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को भी मिलेगा मौका। जानकारी के मुताबिक कुछ मंत्रियों के नामों का ऐलान आज, बाकी दिवाली बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी किए जाएंगे शामिल। अनिल विज भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, बीजेपी विधायकों में सबसे वरिष्ठ विज माने जाते हैं संकट मोचक। घनश्याम सराफ भी बनाए जा सकते हैं मंत्री, पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह को भी मिल सकता है मौका। जांच चेहरों में से एक को मिल सकता है मंत्री पद, रेस में महिपाल डांडा, कमलेश डांडा, जेपी दलाल और प्रवीण डागर जैसे चेहरे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह चौटाला शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, ट्वीट कर कहा उम्मीद है दुष्यंत चौटाला हरियाणा में अच्छी सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। गोपाल कांडा पर विवाद बढ़ता देख मनोहर लाल खट्टर ने दी सफाई, कहा सरकार बनाने के लिए नहीं लेंगे उनका समर्थन। जेजेपी के 10 और 7 निर्दलीय विधायकों का खट्टर को मिला समर्थन, कुल 57 विधायकों के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार। शनिवार को राज्यपाल से मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने की मुलाकात, पैदल मार्च करके पहुंचे राज्यपाल आवास। शनिवार को चंडीगढ़ में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मनोहर लाल खट्टर चुने गए विधायक दल के नेता। कल चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए खट्टर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुलदस्ता देकर और लड्डू खिलाकर मुंह किया मीठा। हरियाणा में नई सरकार के गठन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बीजेपी जेजेपी की सरकार 5 तक नहीं टिक पाएगी। वोट गए थे, सपोर्ट गए, तो ये लोग इस बात को समझ चुके हैं। जनादेश का मान सम्मान करने की वजह जनादेश का मान सम्मान। आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला, 2 हफ्ते की मिली पैरोल, बेटे के शपथ ग्रहण में हो सकते हैं शामिल। शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है अजय चौटाला, 2013 में कोर्ट ने ठहराया था दोषी। महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले शिवसेना का नया दाव, 2.5 साल के सीएम के लिए बीजेपी से मांगा लिखित आश्वासन। स्पष्ट यही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी जो हमारा बड़ा भाई है उसको रिक्वेस्ट की है कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहना चाहिए, 2.5 साल उनका रहना चाहिए, अगला एग्रीमेंट इसके बाद भी युति होगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना में सियासत तेज, बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सुरीले अंदाज में कहा बनाएंगे सरकार। तेरे मेरे बीच में कैसा ही है बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, हमें तुमसे प्यार कितना तुम नहीं जानते हम नहीं जानते, ये देखो ये बात सीधी है, महायुति की सरकार बनेगी। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता का होगा चुनाव, सभी 105 नव निर्वाचित विधायक होंगे शामिल। अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5,51,000 दीयों से रोशन हुई भगवान राम की नगरी। अयोध्या में 14 जगहों पर जला गए 5,51,000 दीये, सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर 4 लाख दीप प्रज्वलित, दीपों को जलाने के बाद ऊंचाई से दिखा अद्भुत नजारा, भगवान राम की आकृति आई नजर। दीपोत्सव कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और फीजी की उप सभापति थे मौजूद, सभी विहंगम नजारे का बने गवाह। सरयू तट पर जमकर हुई आतिशबाजी, नीला आसमान हुआ रंग बिरंगा। राम की पैड़ी पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो का किया गया आयोजन, राम कथा का हुआ प्रदर्शन, श्री राम के लीला चरित्र से जुड़ी निकाली गई झांकियां, भव्य शोभा यात्रा को देखने जुटे लोग। अयोध्या में दूसरे देशों से आए कलाकारों ने भी रामलीलाओं का किया मंचन, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस की रामलीलाओं ने बांधा समा। श्री राम सीता का रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक अवतरण, सीएम योगी ने खुद की अगवानी। अयोध्या में छोटी दिवाली पर करीब 226 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया गया लोकार्पण और शिलान्यास, अयोध्या को मिलेगी नई ऊंचाई। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का दावा, 6 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। 15 दिन 20 दिन के अंदर निश्चित रूप से राम मंदिर के पक्ष में ही निर्णय आएगा, तो 6 दिसंबर से पहले अयोध्या में मंदिर। कश्मीर में सेब कारोबारियों पर हमले को लेकर बीजेपी महासचिव राम माधव बोले, ये कश्मीरियत नहीं, कश्मीरियत में सभी धर्मों का होता है सम्मान। आर्थिक हालत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मंदी का डर सिर्फ दिखावा, धनतेरस देश भर में बिका करीब 30 टन सोना। ऑल इंडिया स्टूडेंट
डेमोक्रेटिक फ्रंट नेता बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान, कहा मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते रहेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे। दिवाली पर आज कश्मीर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जवानों के साथ मना सकते हैं दीपावली। कश्मीर में एलओसी पर सेना के पोस्ट भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पिछली 5 दिवाली प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ मनाई। 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, सरदार पटेल की जयंती पर 31 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पूर्वी लद्दाख में दिवाली से पहले भारतीय सेना और चीन की आर्मी में पारंपरिक बातचीत, साथ मिलकर आतिशबाजी। दिवाली से पहले श्रीनगर में आतंकी हमला, करणनगर पुलिस थाने पर फेंके गए ग्रेनेड, सीआरपीएफ के 6 जवान घायल। आगरा के सुल्तानपुरा इलाके में पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों के साथ आसमान छूते दिखे शोले। आग लगते ही बाजार में मची अफरातफरी, इसमें करीब 10 दुकानें और 10 से ज्यादा बाइक, लाखों का नुकसान। असम के धीमा हसाओ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर जतिंगा नदी, बाढ़ के पानी में पत्तों की तरह बहता दिखा डंपर। तमिलनाडु के होसुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कुरियर कंपनी की बेकाबू गाड़ी ने एक बाइक सवार और कार को रौंदा, दो लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। तमिलनाडु के शिवगंगा में पटाखे की दुकान में भीषण आग, आसपास के कपड़े की दुकान में भी तबाही। हाथरस में पटाखों के बाजार में जबरदस्त आग, 25 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। प्रयागराज में सरकारी बस ने रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों और बाइक सवार को मारी टक्कर, कई लोग जख्मी, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। सूरत के जूलरी शॉप में मुंह पर कपड़ा बांधे और हेलमेट पहने लुटेरों ने बोला धावा, लाखों के गहने लूटकर हुए फरार। गाजियाबाद में चेस खिलाड़ी के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत, बिजली विभाग की लापरवाही की जांच शुरू। बुलंदशहर में पुलिस ने करीब 6.5 क्विंटल अवैध पटाखों को किया नष्ट, गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई। वर्धमान में जमीन के विवाद में दो गुटों में मारपीट, जमकर चली लाठियां और पत्थर, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कैंची से हमला कर सराफा व्यापारी की हत्या, नाराज कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें। दिल्ली के एक होटल में वहां के स्टाफ की मौत, करंट लगने से मौत की आशंका। बांदा में दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए होटल मालिक से बकाए पैसे मांगने पर युवक की पीट पीट कर हत्या, 4 पर मर्डर का केस दर्ज। मेरठ में गिफ्ट पैक खोलते ही धमाका, आग लगने से 2 बहनें झुलसी, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में 75 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 गाड़ी बरामद। वाराणसी में पेट्रोल भरवाने के दौरान दबंगों ने की पेट्रोल पंप के स्टाफ से मारपीट, रुपए मांगने पर हाथापाई। बांदा में कानपुर से चित्रकूट जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, 60 श्रद्धालु थे सवार, 1 युवक की मौत, 3 जख्मी। भुवनेश्वर में एक ही नंबर की 13 गाड़ियां पकड़ी गई, पुलिस भी हैरान। कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसला, मुस्तैद पुलिस वाले ने बाल बाल बचाई जान। आरा में लूटकांड का मास्टरमाइंड समेत 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद। उधम सिंह नगर में चुनावी रंजिश में जबरदस्त झड़प, 2 दिन पहले हुई मारपीट में कई जख्मी। दिल्ली के करोल बाग में एक व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट, आरोपियों की अब तक सुराग नहीं। हावड़ा में ट्रेन में देरी होने पर यात्रियों का फूटा गुस्सा, स्टेशन में की तोड़फोड़। मुंबई के समंदर में फिर नेवी के जवानों ने दिखाई दिलेरी, एक बोट पर फंसे 17 मछुआरों की बचाई जान। पुणे में 20 मंजिला निर्माणाधीन इमारत से गिरे 2 मजदूर, दोनों की मौत। दिल्ली के कंठावला में 2 कारोबारियों की हत्या के साजिश रच रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। सागर में 6 लोगों ने की एक शख्स को जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, 4 आरोपी हिरासत में। सिरसा से विधानसभा चुनाव हारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नंगे पांव लोगों के बीच पहुंचे, वोट देने के लिए जताया आभार। दिल्ली के सदर बाजार में दिवाली के मौके पर दिखी रौनक, ग्रीन पटाखों के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। देश भर में आज रोशनी के पर्व दिवाली की धूम, दीपों और रोशनी से जगमग होगा संसार। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 21,000 मोमबत्तियां और दिए जलाए गए, ट्रक की पूजा की गई। वाराणसी में खिलाड़ियों ने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाई दिवाली, शहीदों को किया याद। पुंछ में बीएसएफ जवानों ने एक दिन पहले ही मनाई दिवाली, आतिशबाजी के साथ जमकर झूमे जवान। श्रीनगर में भारतीय सेना के जवानों ने भी परिवार संग मनाई दिवाली, एक दूसरे का मुंह मीठा किया। अगरतला में बीएसएफ जवानों ने सरहद पर मनाई दिवाली, 0 पॉइंट पर जलाए कैंडल।
गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन, देखिए अद्भुत छटा। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी रोशनी में डूबा, दिवाली पर की गई भव्य सजावट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिवाली के मौके पर लेजर शो का आयोजन, मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी भी हुए शामिल। दिल्ली के अवैध कॉलोनी में मनोज तिवारी ने मनाई दिवाली, कहा पीएम मोदी ने यहां के लोगों का दिया मालिकाना हक, अब कोई नहीं हटा सकता। जैसलमेर में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जवानों ने जलाए दीप, आतिशबाजी का भी लुत्फ उठाया। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हनुमान की आरती, राम मंदिर निर्माण के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कामना। नेपाल में भी दिखा दिवाली का रंग, 5 दिनों तक होता है पूजा पाठ का आयोजन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने काली पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, कहा ममता ने मुझे पूरे परिवार संग आने का दिया है न्योता। छठ पूजा के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तीनों नगर निगमों को लिखी चिट्ठी, सभी मेयर से तमाम व्यवस्था करने को कहा। रामपुर में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन, देश के वीर शहीदों को किया गया नमन। अलीगढ़ में इको फ्रेंडली पटाखों का सजा बाजार, जमकर लोग कर रहे खरीदारी। सिलीगुड़ी में पटाखों की बिक्री पर खराब मौसम का असर, नहीं पहुंच रहे खरीदार। दिवाली के मौके पर सतर्क दिल्ली, तमाम अहम ठिकानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध प्रदर्शन, खराब सड़क को लेकर जलाए गए थे। बगदाद में प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 80 से ज्यादा जख्मी। इराक के नासिरिया में भी जबरदस्त हिंसा, प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 2 की भिड़ंत। इटली के मिलान में सीरिया में टर्की के हमले के खिलाफ जारी प्रदर्शन, भीड़ ने पटाखों में से सुरक्षा बलों पर किया हमला। स्पेन के बार्सिलोना में सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत, तासुगैस के गोले से मची हफड़ा, भगदड़। जापान के टोगाने में भारी बारिश से तबाही, अब तक 10 लोगों की मौत, 3 के गायब होने की खबर है।